हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इधर पमाला आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन ये देखें कि कुडाम का जो काफ़ी पानी है जो काफ़ी नीचे जा चुका है। लेकिन हम लोग पमाला से अभी वापसी है। हम लोग को एक तो रोज़ा था, तो हमारा बाइक पंचर हो चुका था, लेकिन अब वो चले गए हैं। अभी हम लोगों ने कॉल किया उसको दोबारा, जहाँ पर हम लोगों ने इफ्तारी करनी थी वो वापस आएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग जाते हैं दोबारा से। तो सोचा कि यार क्यों ना व्लॉग बना लिए। तो टू देखेंगे, ये है खानपुर की और टैक्सला की खूबसूरती के पहाड़ों के दरमियान पानी। खूबसूरती देखेंगे, पहाड़ दूर दूर तक आपको पहाड़ और नेचर। हम लोगों को जो टैक्सला और इस्लामाबाद ये इसी वजह से जाना जाता है कि इसकी खूबसूरती ये पहाड़ और ग्रीनरी है इनकी। तो इसके दरमियान ये देखें कि एक स्ट्रीट के लेक, तो देखें कि कितना खूबसूरत लगता है ये। तो अभी तो पानी काफ़ी नीचे जा चुका है ना, तो इस वजह से, वरना पानी काफ़ी ऊपर लेवल उसका काफ़ी वो पत्थरों तक होता है ऊपर तक तकरीबन। तो अभी तो आपको बहुत नीचे पानी का लेवल चला जा चुका है ना, अदरवाइज इसका पानी भी वो देखें कि काफ़ी ज़मीन खाली बंजर है, वरना पानी इसका काफ़ी ऊपर रहता है। तो इसकी खूबसूरती यही है कि अभी तो पानी साकिन हो चुका है, लेकिन आगे जहाँ से हम लोग आए हैं उधर शॉट नहीं हम लोग ले सके, क्योंकि उस वक्त टाइम थोड़ा था हम लोगों के पास। बाकी हम लोग आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। चाहिए ट्रालियाँ, ये देख रहे हैं आप कि इधर हम लोगों को नज़र आ रही हैं, ये एमरजेंसी केसेस में रखी गई हैं कि इन केस अगर रोड्स बंद हो जाएँ, क्योंकि रोड्स काफ़ी छोटे हैं, तो इन केस अगर रोड्स बंद हो जाएँ तो रोड्स ओपन करने के लिए ये यूज़ किए जाएंगे, कि मतलब कि पीछे ट्रक इसको ट्राली को लाना नहीं पड़ेगा, पीछे से इजीली हम लोग ट्रैक्टर लेके आ सकते हैं और रोड को खोला जा सकता है इजीली। तो इसलिए ये रखी गई है एमरजेंसी केसेस। अब आप देखें कि इधर कितना पुरसकून माहौल है, कितना सुकून देखें क्या आप, कोई आवाज़ नहीं इतनी। चलो साहब आज चलें। अभी हम लोग को तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग अभी वो पिकअप कर लेंगे माय फ्रेंड और दूसरी बाइक पे। अभी हमारी अफ्तारी भी रास्ते में, अफ्तारी भी हम ऐसे ही करेंगे रास्ते में ही। भाई वो देखें सामने से दो बंदे आ रहे हैं, शायद इनके पास कुछ हो है, मैं भी इनके पास कुछ हो खाने के लिए, हम लोगों को दे रही है। नहीं रहने दो, नाम पूछो, वो अपने लिए लेके जा रहे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। तो जी अब रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है, अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने बोला था कि हम लोग ना खजूरें ले लेते हैं, ताकि हम लोग इनकेस अगर हम लोग रास्ते में रहें ना, तो हम लोग रोज़ा तो इफ्तार कर सकें। बट किस्मत देख रहे हैं, ना बंदा रात को नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं अब हम लोग अफ्तारी करके आएंगे। तो हमने कहा चले ठीक है, अभी फिर कोई भी बंदा अगर मिलता है रास्ते में, आगे रेस्टोरेंट्स हैं वैसे, अगर हम लोग उधर से कुछ खाने के लिए मिल जाता तो हम लोग उधर से पकड़ लेते हैं, रोज़ा तो इफ्तार कर लें हम लोग। लेकिन ये एक एडवेंचर है जो 8th semester में हम लोगों के एक मेमरीज बन चुकी है, पानी रेल मेमरीज। तो मैं और अंश मेरे रूममेट हैं जो कि हम लोग आए, ये देखे ये अंशी बंसी है, तो हम दोनों आए हुए थे। अब इंशाल्लाह अब देखते दुआ करें बस आगे हम लोग कुछ मिल जाए खाने के लिए, ताकि हम रोज़ा तो इफ्तार कर सकें। कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। सो फ्रेंड्स अब फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके थे घर, तो मींस के हॉस्टल अब अपने रूम में। अभी नहा धो के अब हम लोग बैठे हैं, तो चल अफ्तारी भी कर ली है अब अफ्तारी करने के बाद। लेकिन आज का दिन वाकई बहुत एडवेंचरस रहा और बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोगों को रास्ते में अफ्तारी भी मिल गई और एक यादगार भी बन गई अब फाइनली इसकी, क्योंकि अब हमारा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ होंगे। तो इस वजह से एक तो मेमोरीज भी बन गई है, लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत याद आएगा। चले अभी सर्दी लग रही है, थोड़ी सी गर्मी का दिन है, क्योंकि तुम है भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या चले ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तक अल्लाह हाफिज़।